हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, लगभग 3-4 महीने से। मुझे ये याद है कि जब मैं दुर्गा पूजा में घर गई थी, उसका जो मैंने वीडियो डाला है, मैं घर गई थी माँ के साथ। माँ मुंबई से आई थी और उनके साथ मैं घर गई थी। वहाँ पर मैं 1-1.5 महीना रुकी थी। वहाँ का जो मैंने वीडियो वगैरह डाला था, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है। और आज 1 अप्रैल है, और उसके बाद से मैं वहाँ से पटना आई थी और परेशानी शुरू हो गई थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। दीपावली का मैंने शूट भी किया था, लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी। उसके बाद फिर इतनी तबीयत बिगड़ गई कि मेरी मम्मी आई, फिर मम्मी यहाँ पर 1 महीना रही, फिर मम्मी के साथ में मैके चली गई, लेकिन मैं कहीं का भी वीडियो नहीं डाल पाई। और मैं कल आई हूँ, 31 मार्च को मैं पटना आई हूँ अपने घर। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि इस 2 महीने में, 4 महीने से आप लोगों के संपर्क में मैं नहीं हूँ। मुझे याद नहीं है, 3 महीने या 3.5 महीने तो हो ही गए होंगे, 4 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद ही मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। तो अभी मैं नाइटी पहन के आप लोगों के सामने आई हूँ, नाइटी पहनी हूँ। सब कुछ मैं एक एक करके बताऊँगी, मैं क्यों नहीं वीडियो डाल रही थी या क्या प्रॉब्लम था। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन जो फ्रेंड होते हैं, आप लोग तो मुझे देखते हैं, लेकिन आप लोगों में से कई को मैंने नहीं देखा है, कई को मैं उनके डीपी में देखती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मेरा ख्याल रखते हो। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे कई सवाल किए थे मेरे एजुकेशनल चैनल पर भी और इस चैनल पर भी, मैम आप ठीक तो हो ना, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। आप लोगों के कमेंट को देखती थी। अब तो मैं 2-4 दिन से रिप्लाई भी देना शुरू कर दिया है मैंने। और आप लोगों में से कई लोग संतोषी माता से भी जुड़ा हुआ काफ़ी सवाल पूछते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आज सिर्फ आप लोगों से मैं बात करूंगी और सब कुछ बताऊंगी और कोशिश करूंगी जो भी ये दास्तान है, जो भी मुद्दा है, क्यों नहीं मेरा वीडियो आ रहा था, इसी वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। क्योंकि दुख के पल से निकलने में आदमी को बहुत वक्त लगता है, और अगर उसको लेकर आप बैठे रहिएगा तो उससे आपको मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन मन भी भारी रहेगा। तो यही संसार है, चलते रहता है। तो मैं आपको बता दूं डियर कि मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों से बातें करके ऐसा होता है कि आप लोग सकारात्मक कमेंट करते हो। अगर आप लोगों में से कोई निगेटिव करते हो तो आपसे मैं बच सकती हूँ, या तो आपके कमेंट को नहीं पढ़ूंगी या ब्लॉक कर दूंगी या कुछ भी है। लेकिन जो फेस टू फेस जो लोग होते हैं, वो तो शब्द के बहुत बड़े बड़े कोड़े बहुत पान मारते हैं, जिससे कि आप बच भी नहीं सकते हैं। तो डियर, सबसे पहले मैं यहाँ, मेरी माँ आई थी मुंबई से, मैंने आप लोगों को बताया था उनकी तबीयत ख़राब है। आप लोगों से कहा था आप लोग दुआ करिए, वो ठीक हो जाएंगे, सब तरह की बातें हैं। आज मुझे नहीं लग रहा था मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ डियर। तो दुर्गा पूजा में वो आई थी, मैंने सब कुछ शेयर किया था, हम लोग जा रहे हैं कैसे करके। आई थिंक मुझे लगता है मैंने वो वीडियो भी डाला है जब हम लोग निकल रहे थे, मुझे याद नहीं है, आप मुझे बताइएगा डियर। मैं फूल ला रही थी माँ के लिए, वो सब डाला था। फिर वहाँ पर मैं गाँव गई, वो सब भी वीडियो डाला। उसके बाद जब मैं वहाँ से आई थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मैं जब तक समझती कि मुझे क्या हुआ है, तब तक अक्टूबर नवंबर में मैं वहाँ से आई, 3-4 नवंबर को, फिर यहाँ दीपावली किया, उसके बाद मैं बीमार रहने लगी, दिसंबर किसी तरह गुजरा। और फिर मम्मी को मैंने बुलाया, फिर डॉक्टर से चेकअप कराया तो दूसरा न्यूज आया। उसके बाद फिर मम्मी के साथ मैं मैके चली गई। मैके में थी ही कि शिवरात के दिन ही मेरी जो माँ है, जो मेरी सासू माँ है, वो गुजर गई। तो उस दिन मैं मैके में थी और मेरी सिचुएशन भी ठीक नहीं थी, लेकिन पूरे धैर्य के साथ फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से फिर हम लोग ससुराल गए, वहाँ गए, फिर मेरी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तबीयत में, तो फिर वहाँ से फिर जो भी हम लोगों का अपना जो धर्म था, जो कर्तव्य था, वो सब किया। उसके बाद फिर मैं मैके आई, लेकिन वहाँ से आने के बाद जब मैं मैके आ गई तो बहुत लोगों ने, मेरे ससुर ने या फिर बहुत लोगों ने कहा कभी मेरे हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको बार बार माँ की याद आएगी, और चूँकि उन्होंने सब कुछ किया है, सारा कर्म किया है। और ये सच भी था कि वो बहुत अकेले में रोते थे। तो इसीलिए फिर मैं कल यहाँ पे आ गई हूँ। काम वाम तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे करूँगी। धैर्य बहुत बड़ा चीज़ होता है, आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा, मैंने भी
पढ़ा है कि पतझड़ से सीखो दुख में धीरज धरना, क्योंकि पतझड़ जब होता है तो पेड़ों को ये उम्मीद होती है कि फिर से पत्ते उगेंगे, जो चले गए वो तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं धैर्य धारण करके इनके पास आई हूँ, मैं भी नहीं रहूँगी तो इनको इनका कौन करेगा। और आज मैंने काम करने करने जो शोभा आती थी उनको भी बुलाया, वो भी मदद की, उनको भी दया आई, तो मिलजुल कर मेरे हस्बैंड भी बहुत मदद करते हैं। मैं खाना बना लेती हूँ, अब आज मैं देखती हूँ मैं रोटी बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ, तो अभी तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कल आई हूँ शाम में थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर पाती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ। तो यही सब कारण था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर लास्ट में माँ की तबीयत ख़राब हो गई। तो उन सभी उलझनों में हमेशा फ़ोन, आप लोग समझ सकते होंगे, फ़ोन ये वो, तो कभी दिमाग नहीं जाता था कि मैं वीडियो बनाऊँ या मैं कुछ करूँ, मुझे लगता था सब ठीक हो जाएगा, एक बार ही आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ देंगे कि माँ ठीक हो गई है, डॉक्टर ने ऐसा कहा, लेकिन वो ठीक तो नहीं हुए, वो तो चली गई हम लोगों के बीच से, हम लोगों को छोड़ के। तो डियर, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। आप लोगों ने पूछा था, कई लोगों ने पूछा था कि उनको क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम था, तो डियर उनको कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कैंसर डिजीज बताया था, लेकिन हम लोगों, हम खासकर हमें बहुत, क्योंकि मैं उनसे बहुत इमोशनली हर तरह से जुड़ी हुई थी, मैं बड़ी बहू हूँ, मेरी शादी को 8-9 साल हो गया तो उनसे मैं जुड़ी हुई थी, तो मुझे लोगों ने नहीं बताया था, लेकिन समझते समझते मैं भी वक्त आते आते समझ ही गई, तो एडवांस स्टेज में पता ही चला था। तो 1 साल इलाज के बाद 35 लाख उनके इलाज में खर्च हुआ, और TMH में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो 1 मार्च को चली गई शिवरात्रि के दिन 1 बजे दिन में। तो वो सब मैं आप लोगों से क्या शेयर करती, क्या दिखाती, क्या बताती डियर, इसीलिए आप लोगों से दूर थी। हर तरह से जो है हम लोगों की स्थिति अभी इस तरह से हो गई है, और उनका इतना अच्छा सब कुछ हुआ था, कुछ कुछ क्लिप लोगों ने मेरे पास भेजा है लेकिन मैं वो सब शेयर करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इतने अच्छे तरीके से उनका हुआ था डियर, कि मेरे ससुर साहब ने कहा कि 35 लाख जिसके इलाज में खर्चा हुआ वो अब दोबारा नहीं आएगी, तो 10-11 लाख उनके सारे कर्म में भी खर्च हुआ, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद फिर मैं 18 मार्च को, 1 मार्च को मैं एक्सपायर की, मैं उसी दिन गई, 18 मार्च को मैं क्या आ गई, 31 मार्च को मैं यहाँ पर आ गई हूँ डियर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यही कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, मन भी लगता है, और कुछ दिल की बातें भी आप लोगों से शेयर कर पाते हैं, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और सकारात्मक कमेंट करिए। मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी तो आप लोग समझते ही होंगे, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, और मेरी जो छुट्टी वाली देवरानी है वो मुंबई में रहती है, वो अभी आई नहीं है, एक भी बार नहीं आई है, उनको एक बेटा एक बेटी है, यानी कि बेटी अभी 2 महीना पहले 20 दिसंबर को बेटी हुई है, तो 2-3 महीना हो गया बेटी होने से। और मेरी ये स्थिति है कि अभी मुझे घर में मेरी सासू माँ की आवश्यकता थी, मैं वहाँ रहती, मेरा बड़ा बेटा हुआ था तो मैं वहीं पर थी, सब कुछ देखभाल हुआ था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल, वो होता है ना जिसको कहते हैं कि भटकने की स्थिति मेरी हो गई है, मैं मायके में भी कितना दिन रह सकती हूँ, 1-1.5 महीना मैं वहाँ पर रही, मम्मी यहाँ पर कितना दिन रह सकती है, 1 महीना मम्मी आके यहाँ रही, सबका अपना घर है, सब है, अब मम्मी को मैं 3-4 महीना रोक लूँ, उसका सारा फसल चला जाए तो साल भर फिर वो क्या खाएगी। तो हिम्मत करके, मैं ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाती हूँ डियर, तो मैं हिम्मत करके यहाँ आई हूँ, और आप लोग मेरे लिए प्रे करिए कि मैं, सब कुछ मेरे साथ सही हो, मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, और मुझे धैर्य दीजिए कि बस इसी तरह चलते जाना है डियर। कि अगर एक ही गाथा को मैं हर वीडियो में दोहराऊंगी तो आप लोग को भी लगेगा कि एक ही बात खुलती है, लेकिन दुनिया इतनी ख़राब है कि अगर आप चुप भी रह जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है वो तो वही बता सकता है जिसका आदमी गया होता है। तो इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था डियर। अब मैं सोचती हूँ कि मैं काम तो जो भी करूँगी, जो भी दिखाऊँगी वो तो है ही, आप लोगों से बात भी अधिक से अधिक करूँगी, संतोषी माता से जुड़ा हुआ आप लोगों ने कई प्रश्न, कई सवाल किया है, उसका भी मैं जवाब दूँगी, मैं जितना जानती हूँ, और जो सही है फिर आप लोग भी उसमें बताइएगा। और कुछ कपड़े वगैरह, मैं मन नहीं लग रहा है डियर, तो सोचती हूँ मैं क्या करूँ, मतलब गोदरेज भी मैंने खोला तो मुझे लगा क्या कि साड़ी वाड़ी कुछ जो है पुराना, भी तो मैं सिलाई वगैरह भी नहीं कर पाऊँगी, फॉल पिक को भी नहीं कर पाऊँगी, लगता है उसको समेटूँ क्या करूँ, लेकिन मेरी सासू माँ को साड़ी वगैरह से भी बहुत लगाव था, ऑरेंज रेड और ये मैरून
ये सब कलर मुझे देखने का मन अब नहीं करता है, लेकिन समय है, समय के साथ सब खाई भर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा भी भर जाएगा। तो आप लोग कैसे हैं अपने बारे में बताइएगा, और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा, मैं अपडेट देते रहूँगी। और फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। मैं वहाँ गई थी मैके, तो मैंने दो दो हाफ स्वेटर तैयार किया था, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था कि माँ के साथ कुछ ऐसा। मैं 5 फरवरी को यहाँ से गई थी, मेरी मम्मी 5 जनवरी को यहाँ आई। मेरी तबीयत जब ज़्यादा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट वगैरह बोल दिया, तो मम्मी 5 जनवरी को आई, 5 फरवरी को मम्मी के साथ गए। 25 दिन में मैंने 2-3 स्वेटर बनाया, बहुत सारा सामान लेकर गई थी, लेकिन वही वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि बार बार मुझे उल्टियाँ आती थी, तबीयत ख़राब रहता था। फिर मुझे लगा अच्छा ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जाके बात करेंगे। इस बीच में माँ चली गई, उसके बाद अभी आई हूँ डियर। तो अब मैं प्रयास करूँगी रोज़ कम से कम आपको कुछ दिखा सकूँ, या ना दिखा सकूँ, सिखा सकूँ ना सिखा सकूँ, लेकिन बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि मन लगता है। आप लोगों को बोलती हूँ कुछ भी, तो आप लोग लिख के रिप्लाई करते हो तो अच्छा लगता है। वैसे किसी लोगों से बात करने का नहीं, मैंने दुर्गा पूजा में भी आपको बताया था, बाहरी लोगों ने किस तरह से मेरे घर में इस तरह से किया था। अभी भी बहुत कुछ हुआ, बात बात में मैं बताते चलूँगी कैसे क्या हुआ। लेकिन डियर बस आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैंने नाइटी क्यों पहनी हुई है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, बेटा मेरा सो गया है, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, मुझे लगा आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से फैमिली बनाए जाते हैं, फैमिली बहुत महत्व रखता है जीवन में। अभी तो मेरा फैमिली हो गया है, थोड़ा सा अधूरा अच्छा था, सास ससुर मेरे हस्बैंड, दो भाई थे, दोनों की शादी, दोनों के बच्चे, लेकिन मेरी सास समय के पहले चली गई डियर। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा डियर। मैं हर दिन आप लोगों से मिलने का प्रयास करूँगी, मिलूँगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। इस चैनल के साथ बने रहिए।